और इतना प्लान किया था कि दोनों जगह पे ऑलमोस्ट एक टाइम, बट हमें इस टाइम पे सेलिब्रेशन करना चाहिए था, बट हमारा मूड ना काफी डिस्टर्ब हो गया है कल से, तो अभी हम कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये देखो यहाँ पे सवेरे सवेरे से केक खाया जा रहा है। बताइए केक कौन खाता है सवेरे सवेरे? ये इन्होंने ब्लॉग देख नारियल पानी उठा लिया है। नारियल पानी मेरे केक कहाँ दिख रहा है हमको? ये ढोला का भी आई हुई है यहाँ पे। सो गाइस, मानसी 1,00,000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए इंस्टाग्राम पर। हम लोग थे कि कल सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट मतलब दोपहर में हमको मेल आया कि जो मानसी का मेन चैनल है जिसपे 1,00,000 होने वाले हैं, और जो हमारा ब्लॉग चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देखोगे, इन दोनों का ही सेम एडसेंस है, और वो एडसेंस टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। और क्यों हुआ, क्या हुआ, तो यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह तो आपको पता ही है, वो सब पॉलिसी चिपका देते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी और ये सब, तो समझ नहीं आया कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, तो उस चक्कर में हम लोगों का पूरा मूड खराब हो गया। तो उसके बाद कुछ हम लोगों ने ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया, बट ये जो केक आप देख रहे हो मानसी की फ्रेंड ने भेजा था, तो बस हमने इसको किचन में ही काट लिया और खा लिया। बाकी अब देखते हैं एडसेंस का क्या रहता है, कब तक रीएक्टिवेट होता है, और मतलब 90% चांस तो है कि हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फिर वेरिफिकेशन के लिए कई सारी जो चीज़ें हैं वो ली हैं, और देखते हैं क्या रहता है। बाकी हम लोग कंटिन्यूसली चैट वगैरह तो कर ही रहे हैं, बट अब ये है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हम लोग उससे, क्योंकि भाई वो पूरी मेहनत वहीं पे लगी हुई थी, और इतना प्लान किया था कि दोनों जगह पे ऑलमोस्ट एक टाइम पे 1,00,000 सब्सक्राइबर है। दिस इज रेयर कोइंसिडेंस कि एक दिन के अंतराल में हमारे 1,00,000 फॉलोअर्स दोनों पे कंप्लीट हो रहे हैं। दिस इज बहुत बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, मतलब बहुत ही बड़ी, अंदाजा नहीं है इस चीज का, बट स्टिल एक दिन पहले ही यही सब हो जाता है, तो 1,00,000 कंप्लीट होने का कुछ खुशी नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, अच्छा लग रहा था लेकिन खुश नहीं हो पा रहे। अब पता नहीं, देखते हैं, जब तक आएगा नहीं तब तक शायद हमारा मूड भी उस हिसाब से सही ना हो, मेरी शक्ल भी देख के पता चल ही जाएगी भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, तेल वेल लगाए और बिल्कुल। अब जो भी सेलिब्रेशन होगा वो होगा जब हमारा एडसेंस वापस से सही हो जाएगा, क्योंकि पूरी मेहनत ना उसी चैनल पे हम लोगों ने स्टार्टिंग से करी है, और 3.5 साल से ऊपर हो चुका है उधर, हमने मई 2019 में शुरू किया था चैनल, 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, एंड वही सबसे बड़ी हार्ड वर्क वाली जगह है मेरी जहाँ मैंने इतना ज्यादा टाइम दिया है, एंड उसी के साथ ऐसा हो जा रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ। ढोलक इधर नारियल पेट रही है, देखो गुड़ 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 कर रहा है ये ढोलक, इसमें वो भी है क्रीम। सो गाइस, हालांकि मानसी का जो मूड है वो खराब है, बट स्टिल शूट कर रही है ये, कोई बात नहीं, एडसेंस होपफुली वापस आ जाएगा, डोंट वरी, बट हमें वीडियो तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इतना सारा काम है, मैं को यूट्यूब वीडियो भी बनाना है, रील वीडियो भी बनाना है, दीज आर 6 साड़ीज एंड 6 आर आउट देयर, बट हमें इस टाइम पे सेलिब्रेशन करना चाहिए था, बट हमारा मूड ना काफी डिस्टर्ब हो गया है कल से, तो अभी हम कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी देखते हैं जल्दी से जल्दी। इस समय का मैं 3.5 साल से वेट कर रही थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ट्राई तो हम कर ही रहे, हमने बात वगैरह तो कर ही ली है ना, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है वहां से। सो गाइस, इवनिंग हो चुकी है और हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी जैगरी वाली चाय, और ये ढोलक यहाँ पे खड़ी हुई है, ढोलक बजा रही है अपनी और ये मानसी बैठी है, और कहीं से हम पूरे दिन भर से आज वेट कर रहे थे कि कुछ रिस्पॉन्स आए एडसेंस का, जो हमने अपना रिस्पॉन्स जैसे सबमिट किया हुआ है कि वापस से एक्टिवेट हो जाए, बट मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग, और जो सब्सक्राइबर रेट चल रहा था यूट्यूब पर वो भी डाउन हो गया है थोड़ा सा, और 1,00,000 अभी तो नहीं होंगे, मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन जितना भी दिन लगे वो लगेगा, तो वैसे भी अब कुछ दिन मतलब इंस्टाग्राम का जो सेलिब्रेशन है वो भी ढंग से कुछ हुआ नहीं है, बाकी कई सारे लोगों ने केक वगैरह भेजा है, फूल वगैरह आए हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, तो मूड तो ऐसा कुछ था नहीं सेलिब्रेट करने का, बट थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम कर लेंगे। सो गाइस, सुबह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैपनिंग होने के बावजूद, बट आई गॉट लॉट्स ऑफ केक फ्रॉम माई लव वंस, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे केक भेजे हैं मुझे,
तो आई थॉट लेट सेलिब्रेट दिस मोमेंट। एंड एक और अच्छी बात ये है कि अभी रात के 12 बज चुके हैं और आज लग गई है 29 अप्रैल, और 29 अप्रैल हमारे 6th मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम एक एनिवर्सरी का भी केक कट कर रहे हैं। सो यस, बहुत ज़्यादा फीलिंग हैप्पी वाली नहीं है, बट स्टिल आई एम फीलिंग गुड राइट नाउ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब। तो चलो अब सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं। हो जाए तब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यस, आए तो केक फिर से भेजिएगा आप लोग, ओके।